नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मेरे साथ सुमैरा खान भी मौजूद हैं। आपका हमारी इस खास पेशकश धर्मांतरण और हिंदू राष्ट्र पर बाबा की ललकार में स्वागत है। आगे हम आपको दिखाएंगे कैसे बाबा बागेश्वर ने आज बेबाकी से धर्म विरोधियों और आलोचकों को जवाब दिया, मगर उससे पहले आपको दिखाते हैं कैसे शहर शहर जिहाद का जाल फैल रहा है। जी, आपको ये भी बताएंगे जिसकी वजह से बाबा क्रोध में है। दिल्ली में साक्षी को सन की साहिल ने बेरहमी से मार डाला, उसे जीने का एक हक छीन लिया गया। साक्षी के परिवार वाले पूछ रहे हैं कि आखिर उसका कसूर क्या था। राजस्थान के उदयपुर में मोहम्मद आसिफ नाम के शख्स पर एक युवती ने जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाया। पीड़िता के मुताबिक धर्मांतरण के विरोध पर आरोपी ने दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड को दोहराने की धमकी दी। महाराष्ट्र के पुणे में आरोपी जावेद पर एक हिंदू लड़की को अगवा कर करीब 4 साल रखने और उसके साथ ज्यादती के आरोप लगे हैं। आरोप है कि लड़की को जबरन सिगरेट पिलाई गई, बीफ खिलाया गया और दवाइयां भी दी गई। तो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में दानिश नाम के शख्स पर अपनी पत्नी को अबॉर्शन के लिए गलत दवाई देने के आरोप लगे, जिससे महिला और उसके पेट में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। फिलहाल आरोपी जेल में है, उस पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगा है। सवाल यह है कि आखिर जिहाद का ये जाल कितने शहरों में फैल चुका है, देश भर में कितने साहिल, कितने जावेद और कितने दानिश हैं।